शांति। आज 8 सितंबर 2024 आज बाबा की अव्यक्त बाणी है। इसे बाबा ने 15/12/2001 को सुनाया था। इस मुरली का शीर्षक है एक व्रतावन पवित्रता की धारणा द्वारा रूहानियत में रहे मनसा सेवा करो। एक व्रतावन पवित्रता की धारणा द्वारा रूहानियत में रहकर मनसा सेवा मन से सेवा करो। आज रूहानी परमात्मा शिव बाबा चारों ओर के रूहानी बच्चों की रूहानियत को देख रहे थे। आज बाबा अपने रूहानी बच्चों को देख रहे थे। बाबा हमारी आत्मा को देखते हैं, इस नश्वर शरीर को नहीं देखते बाबा, हमारी आत्मा को। तो बाबा हमारी आत्मा की रूहानियत को देख रहे थे। हर एक बच्चे में रूहानियत की झलक कितनी है, आत्मा कितनी पावरफुल है। रूहानियत नैनों से प्रत्यक्ष होती है। रूहानियत की शक्ति वाली आत्मा सदा नैनों से औरों को भी रूहानी शक्ति देती है। रूहानी मुस्कान औरों को भी खुशी की अनुभूति कराती है। उनकी चलन चेहरा फरिश्तों के समान डबल लाइट दिखाई देता है। ऐसी रूहानियत का आधार है पवित्रता। ऐसी रूहानियत का आधार है पवित्रता। तो जितनी जितनी मन वाणी कर्म में पवित्रता होगी उतनी ही रूहानियत चेहरे पर स्पर्श दिखाई देगी। पवित्रता ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है। पवित्रता ब्राह्मण जीवन की मर्यादा है। तो शिव बाबा हर बच्चे की पवित्रता के आधार पर रूहानियत देख रहे हैं। रूहानी आत्मा इस लोक में रहते हुए भी अलौकिक फरिश्ता दिखाई देगी। जो पवित्रता से संपन्न रूहानी आत्मा है वो इस लोक में रहते हुए भी अलौकिक फरिश्ते के समान दिखाई देगी। तो अपने आप को चेक करो, बाबा कहते हैं अपने आप को चेक करो। हमारे संकल्प हमारे बोल में कितनी रूहानियत है, कितनी पवित्रता के भाव छलकते हैं। रूहानी संकल्प अपने में भी शक्ति भरने वाले हैं और दूसरों को भी शक्ति देते हैं। रूहानी संकल्प अपने में भी शक्ति भरते हैं और जो हमारे पवित्रता के संकल्प हैं वो अपने में भी शक्ति भरते हैं और दूसरों को भी शक्ति देते हैं। जिसको दूसरे शब्दों में कहते हो रूहानी संकल्प मनसा सेवा के निमित्त बनते हैं। रूहानी बोल स्वयं को और दूसरों को सुख का अनुभव कराते हैं, शांति का अनुभव कराते हैं। एक रूहानी बोल अन्य आत्माओं के जीवन के आगे बढ़ने का आधार बन जाता है। आपके शब्द आपकी वाणी दूसरों को आगे बढ़ाने के आधार बन जाती हैं। तो रूहानी बोल बोलने वाला वरदानी आत्मा बन जाता है। रूहानी कर्म सहज स्वयं को भी कर्म योगी स्थिति का अनुभव कराते हैं और दूसरों को भी कर्म योगी बनाने के सैंपल बन जाते हैं। रूहानी कर्म सहज स्वयं को कर्म योगी स्थिति का अनुभव कराते हैं। जो भी हम कर्म करते हैं वो बाबा की याद में कर्म योग बन जाता है। जब बाबा की याद में कर्म करें तो वो कर्म योग बन जाता है। तो रूहानी कर्म हमारे जब हम आत्मिक स्थिति में रह के कोई कार्य करते हैं, बाबा की याद में रह के कार्य करते हैं, तो वो कर्म योगी स्थिति का अनुभव कराते हैं, दूसरों को भी कर्म योगी बनाने के सैंपल बन जाते हैं। तो जो भी संपर्क में आए सहज योगी कर्म योगी जीवन के अनुभवी बन जाते हैं। लेकिन बाबा ने कहा रूहानियत का बीज है पवित्रता। इसका बीज है पवित्रता। पवित्रता स्वप्न तक भंग ना हो तब रूहानियत दिखाई देगी। पवित्रता स्वप्न तक भंग ना हो तब रूहानियत बाबा कहते हैं आपके चेहरे पर दिखाई देगी। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, लेकिन हर बोल ब्रह्मचारी हो, हर संकल्प ब्रह्मचारी हो, हर कर्म ब्रह्मचारी हो। बहुत सुंदर बाबा आज वाक्य, आज पूरी मुरली पवित्रता पर है। तो बाबा ने कहा आपका सिर्फ ब्रह्मचर्य ही नहीं, आपके बोल आपके संकल्प आपके कर्म सब ब्रह्मचारी हो। जैसे लौकिक में कोई कोई बच्चे की सूरत अपने पिता के समान होती है, तो कहा जाता है इसमें शिव बाबा इसमें अपने पिता दिखाई देते हैं। जैसे पिता जैसा होता है ना बच्चा, कहते हैं ये तो अपने पापा जैसा लगता है, तो उसमें उसका पिता दिखाई देता है। ऐसे ही ब्रह्माचारी ब्राह्मण आत्मा के चेहरे में रूहानियत के आधार पर ब्रह्मा बाबा समान अनुभव हो। अब बाबा कहते हैं आप बाबा के बच्चे ब्रह्माचारी बनो, और ब्रह्माचारी जो ब्राह्मण आत्मा है उनके चेहरे पे कैसे दिखाई देंगे, वो ब्रह्मा बाबा समान फरिश्ता स्वरूप दिखाई देंगे।
जो संपर्क वाली आत्माएं अनुभव करें ये शिव बाबा समान है। जो भी आपके संबंध संपर्क में आए उनको ये अनुभव हो ये शिव बाबा समान आत्माएं हैं। चलो 100% भी ना हो, कुछ परसेंट तो बाबा तक पहुँचें, बाबा के फरिश्ते स्वरूप की तरह आपके अंदर दिखाई दें, लगे कि बच्चे ब्रह्मा बाबा समान हैं। अब पवित्रता में भी कई कोई कोई बच्चे को परसेंटेज बहुत कम है। समय के अनुसार विश्व की आत्माएं आप आत्माओं को रूहानियत का सैंपल देखना चाहती हैं। इसका सहज साधन है सिर्फ एक शब्द का टेंशन रखो, एक शब्द का टेंशन रखो, बार बार उस एक शब्द को अपने आप अंडरलाइन करो। वह एक शब्द है एक व्रता भव। बाबा कहते हैं एक शब्द को ध्यान रखो, वह शब्द है एक व्रता भव। जहाँ एक है वहाँ एकाग्रता स्वतः ही आ जाती है, अचल अडोल स्वतः ही बन जाते हैं। एक व्रता बनने से एक मत पर चलना बहुत सहज हो जाता है। जब है ही एक व्रता तो एक की मत एक मति सदगति सहज हो जाती है। एक व्रता माना एक शिव बाबा की याद में रहने वाले, एक को मानने वाले, एक की मत पर चलने वालों की सदा ही सहज गति हो, सहज सदगति हो जाती है। एक रस स्थिति स्वतः बन जाती है। तो चेक करो एक व्रता है क्या, हम एक शिव बाबा की याद में रहने वाले, एक बाबा की मत पर चलने वाले हैं या सांसारिक मत पर चलने वाले हैं। सारा दिन में मन बुद्धि एक व्रता रहता है, हिसाब में आदि भी शुरू हो एक से शुरू होती है। एक बिंदी और एक शब्द एक अंक लगाते जाओ, एक बिंदी लगाते जाओ तो कितना बढ़ता जाएगा। और कुछ भी याद ना आए, क्या याद आए, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई। क्योंकि बाबा कहते हैं एक शब्द तो आपको याद रहेगा, समय आत्माएं आप एक व्रता आत्माओं को पुकार रहे हैं। इस समय जैसे जैसे कलयुग अंत की ओर बढ़ रहा है वैसे वैसे पाप और अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। चारों तरफ कलयुग विनाश की तरफ जा रहा है, जैसे जैसे वैसे वैसे इस बुद्धि से विनाश आत्माओं का होता जा रहा है, जिस कारण इस सृष्टि का विनाश शुरू हुआ। तो बाबा के आत्माएं अब एक व्रता आत्माओं को पुकार, अब वो परेशान हैं, पुकार रही हैं, शांति की पवित्रता की भीख मांग रही हैं। तो समय की पुकार आत्माओं की पुकार है, हे देव आत्माएं सुनने नहीं आती। बाबा आप बच्चों से कहते हैं हे देव आत्माएं सुनने नहीं आती। प्रकृति भी आप प्रकृतिपति को देख देख कर पुकार रही है कि हे प्रकृतिपति आत्माएं अब परिवर्तन करो, अब इस कलयुग की सृष्टि का परिवर्तन कर सतयुग की स्थापना करो। तो ये बीच बीच में छोटे छोटे झटके भी लगते हैं, तो बेचारी आत्माओं को बार बार दुख के भय के झटके नहीं खिलाओ। आप मुक्ति दिलाने वाली आत्माएं, मास्टर मुक्तिदाता कब इन आत्माओं को मुक्ति दिलाएंगे? आप मुक्ति दिलाने वाली आत्माएं, मास्टर मुक्तिदाता बन कब इन आत्माओं को मुक्ति दिलाएंगे? क्या आपके मन में रहम नहीं आता? बाबा कहते हैं वो कितना परेशान है, पुकार रही हैं शांति की सुख की पवित्रता की भीख मांग रही हैं। विकार बढ़ता जा रहा है सृष्टि पे, तो आत्माएं पुकार रही हैं तो आपको रहम नहीं आता? समाचार सुनकर चुप हो जाते हो, बस हो गया सुन लिया। इसीलिए बाबा हर बच्चे का अभी रहम दिल स्वरूप देखना चाहते हैं। अपनी हद की बातें छोड़ो और रहम दिल बनो, अपनी हद की बातें छोड़ो और रहम दिल बनो। मनसा सेवा में लग जाओ, आपका एक एक संकल्प सेवा करें। जैसे जैसे सम्मान में रहते हैं, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ, तो मन से सेवा होने लगती है। तो मनसा सेवा में लग जाओ, सकाश दो, शांति दो, सहारा दो और रहम दिल बन। औरों को सहारा देने में बिजी रहोगे तो हद के आकर्षणों से हद की बातों से स्वतः ही दूर हो जाएंगे, मेहनत से बच जाएंगे। अभी आपने वाणी से बहुत सेवा किया, बाबा कहते हैं मन से सकाश दो। मनसा सेवा से आप करने वाले को भी बहुत फ़ायदा है, क्योंकि जिस आत्मा को आप मनसा सेवा था संकल्प की शक्ति द्वारा सकाश देंगे, वो आत्माएं आपको बहुत दुआ देगी। और आपके खाते में स्व का प्रसाद तो है ही, और दुआओं का खाता भी बढ़ जाएगा। आपका प्रसाद प्लस दुआओं का, पर जब जैसे जैसे आप मन से शुभ संकल्प के वाइब्रेशन इस सृष्टि में आत्माओं को देते हो, तो वो दुआओं का खाता भी जमा होता जाता है।
तो आपका जमा का खाता डबल रीति से बढ़ता जाएगा। इसीलिए चाहे बाबा कहते हैं बच्चे चाहे नए हों चाहे पुराने हों, क्योंकि बाबा कहते हैं चाहे बच्चे मेरे नए हों चाहे पुराने हों, आप सभी आत्माओं को मनसा सेवा करनी है, मन से सम्मान में स्थित रहकर इस सृष्टि को पावन बनाना, शांति देना, सुख देने के मित्र बनना ही है। अब बाबा बच्चों को जिम्मेदारी देते हैं कि रोज़ कितने घंटे मनसा सेवा का चार्ट रखना है अपने पास। हर एक को अपने पास चार्ट रखना है, ऐसा नहीं कहना हाँ कर ली। कितने घंटे मनसा सेवा की हर एक चार्ट रखना। फिर बाबा अचानक से चार्ट मंगाएंगे, डेट नहीं बताएंगे, अचानक से मांगेंगे और देखेंगे कितने बच्चों ने ताज पहना और कितनों का ताज हिलता रहा। बाबा जिम्मेदारी का ताज बच्चों को अपने पहना रहे हैं कि मन से कितनी सेवा की, कितने वाणी से व्यर्थ संकल्पों को, निगेटिव संकल्पों को निकालकर कितने बच्चे बाबा के सम्मान में स्थित होकर एक एक संकल्प से आपकी सेवा हो सकती है, तो वो कितने बच्चों ने की, जिम्मेदारी का ताज कितने बच्चों ने पहना। तो बाबा कहें अचानक से बाबा ये चार्ट आपका देखेंगे। जिम्मेदारी का ताज पहनाना पहनना ही है, आप बच्चों को जिम्मेदारी का ताज पहनना ही है। बाबा बार बार सुनाते रहते हैं समय आपका इंतज़ार कर रहा है। ब्रह्मा बाबा भी सतयुग का गेट खोलने का इंतज़ार कर रहे हैं। प्रकृति तीव्र गति से सफाया करने का इंतज़ार कर रही है इस कलयुगी सृष्टि का, तभी हमारे सतयुगी दुनिया स्थापन होगी। तो फरिश्ते तो हे फरिश्ते तो बाबा कहते हे फरिश्ते अभी अपने डबल लाइट से इंतज़ार को समाप्त करो। हे फरिश्ते अपने डबल लाइट से इंतज़ार को समाप्त करो। एवर रेडी शब्द तो सब बोलते हो, लेकिन संपन्न और संपूर्ण बनने में एवर रेडी बने हो। सिर्फ शरीर छोड़ने के लिए एवर रेडी नहीं बनना, लेकिन शिव बाबा समान बनकर जाने में एवर रेडी बनना, हमेशा तैयार रहना कि हमें संपूर्ण होना ही है, संपूर्ण बनकर ही जाना है। अभी अगर बाणी से भी और मन से भी सेवा में बिजी हो जाएंगे तो बहुत दुआएं मिलेंगी, डबल खाता जमा हो जाएगा, प्रसाद का भी दुआओं का भी। तो संकल्प द्वारा, बोल द्वारा, वाणी द्वारा, कर्म द्वारा, संबंध संपर्क द्वारा दुआएं दो और दुआएं लो। संबंध संपर्क द्वारा, सभी के द्वारा दुआएं दो और दुआएं लो। एक ही बात करो बस दुआएं देनी है, एक ही बात करो बस दुआएं देनी है। चाहे कोई बद्दुआ दे तो भी आप दुआ दो, क्योंकि आप दुआओं के सागर के बच्चे हो। कोई नाराज़ हो आप नाराज़ नहीं हो, आप राजी रहो। ऐसा हो सकता है, बाबा कहते हैं कोई नाराज़ हो तो भी आप राजी रहो, ऐसा हो सकता है। बस यही व्रत लो, दृढ़ संकल्प लो, मुझे दुआएं देनी और लेनी है बस। माया भले ही नाराज़ करे लेकिन आप राजी करने वाले रहो। मुझे दुआएं देनी है और दुआएं लेनी है, इस एक बात को अंडरलाइन करो और इसे याद रखो। हर एक अपनी जिम्मेदारी रहे, दूसरे को नहीं देखना ये क्या करता है वो क्या करता है, इसमें नहीं खोना। हम साक्षी होकर खेल देखने वाले हैं, तो हमें दुआएं देना और दुआएं लेना है। बाबा कहता है बाबा के पास तो बहुत बड़े टीवी है, बाबा तो हर एक बच्चे को देख सकता है, वो परमात्मा इस सृष्टि को चलाने वाला वो सबको देख सकता है, कौन बच्चा किस समय क्या कर रहा है। बाबा देखता है लेकिन बोलता नहीं, आपको सुनाता नहीं, बाकी रंग बहुत देखते हैं। छिप छिप कर भी बच्चे क्या करते हैं वो भी बाबा देखता है। बच्चों में बहुत चालाकी है ना, चालाक बहुत हैं। अगर बाबा बच्चों की चालाकियाँ सुनाएं तो सुनकर आप थोड़ा सोचने लगेंगे, इसीलिए बाबा सुनाते नहीं, तो आपकी सोच आपको सोच में क्यों डालें। लेकिन करते बहुत होशियारी से हैं बाबा, वो हमारा पिता है, वो हम बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से जानता है। तो बाबा कहते बाबा बच्चे बाबा से भी होशियारी करते हैं, बाबा ऐसा हो गया ना इसीलिए हमने ऐसा किया, ऐसा हो गया था ये परिस्थिति थी इसीलिए हमने ऐसा करा। ऐसी बातें बना बना कर बाबा को बच्चे समझाते हैं। तो बाबा कहते हैं अगर सबसे होशियार देखना हो तो हम हमारे ब्राह्मण बच्चों को देखो। बाबा ने त्रिमूर्ति ब्रह्मा का दर्श दिखाया, क्योंकि बाबा समान बाबा के हर कार्य में साथी हो ना, इसीलिए बाबा ने दृश्य दिखाया। बाबा ने अपने दोनों आप दोनों की विशेष पावर्स की बिल की,
विल पावर भी दी, सर पावर्स की विल भी दी, इसीलिए ये शक्तियाँ अपना काम कर रही हैं। कराने वाला करा रहा है और आप निमित्त बन कर रहे हो। परमात्मा शिव बाबा हमसे करा रहा है और हम बाबा के बच्चे अपनी अपनी शक्ति के अनुसार बाबा के इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में सहयोगी बन रहे हैं। तो बाबा कहते हैं, आप सभी बाबा के बच्चे डबल नॉलेजफुल बन, अब दुआएं दो और दुआएं लो। अच्छा, ओम शांति। वरदान है ईश्वरीय संग में रहे, उल्टे संग के बार से बचने वाले सदा के सत्संगी भव। कैसा भी खराब संग हो, लेकिन आपका श्रेष्ठ संग उसके आगे कई गुणा शक्तिशाली है। कैसा भी खराब संग हो, अगर आप एक परमात्मा शिव बाबा के संग हो तो वो उसके आगे कई गुणा शक्तिशाली है। ईश्वरीय संग के आगे वह संग कुछ भी नहीं, सब कमज़ोर हैं, लेकिन जब खुद कमज़ोर बनते हो तब उल्टे संग का वार होता है। जो सदा एक शिव बाबा के संग में रहते हैं, अर्थात सदा के सत्संगी हैं, वह और किसी के संग के रंग में प्रभावित नहीं हो सकते। जो सदा सत्संगी हैं, किसी के संग के रंग में प्रभावित नहीं हो सकते। व्यर्थ बातें, व्यर्थ संग अर्थात कुसंग उन्हें आकर्षित नहीं कर सकता। स्लोगन है, बुराई को भी अच्छाई में परिवर्तन करने वाले ही प्रसन्न चित्त रह सकते हैं। बुराई को भी अच्छाई में परिवर्तन करने वाले ही प्रसन्न चित्त रह सकते हैं। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ, या फिर मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। बाबा ने आज अपने एक एक संकल्प, एक एक बोल, एक एक कर्म पर विशेष अटेंशन देने के लिए कहा। का एक व्रत मन एक की याद में एक कीमत पर चलकर इस संसार को सुख शांति की अंजलि दो, सुख शांति के वाइब्रेशन से भरपूर करो। अच्छा, ओम शांति।